हेलो जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन? वेलकम कहते हैं आपको मिनी व्लॉग में। बिल्कुल सादी नजर आ रही हूँ आपको। आज मैं करने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत फेशियल। होम रेमेडी है सारी। फेशियल करते हैं और मैं क्या करती हूँ अपनी स्किन के साथ, ये आपके साथ शेयर करते हैं। और स्पेशल मैं तेल लगाती हूँ अपने बालों में, क्योंकि मैं डाई बहुत कम करती हूँ, बहुत कम, कई दफ़ा महीने में एक दफ़ा, वो भी अगर बहुत नज़र आने शुरू हो जाए। पर मैं स्पेशल तेल बनाती हूँ अपने लिए हमेशा, और बहुत ज़्यादा बना के रखती हूँ, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और सबसे पहले तेल लगा लेते हैं, और मैं हमेशा यही करती हूँ, तेल लगाती हूँ पहले। पर वेलकम कहते हैं आपको मिली ब्लॉक में। आज आपके साथ कोई बेकिंग नहीं शेयर होने वाली, कोई कुकिंग नहीं शेयर होने वाली, कोई बच्चे नहीं नजर आए, सिर्फ मैं और आप करते हैं स्किन केयर और स्किन की रेसिपी स्किन की। ओके चले जी, शुरू करते हैं कि मैं क्या करती हूँ अपने साथ, अपनी स्किन के साथ। देखते रहिए और बने रहिए मिली ब्लॉक में। पहले मैं चीज़ें सारी पूरी कर लूँ, अपने पास रख लूँ सारी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मैं स्पेशल एक फेस मास्क यूज़ करती हूँ, खुद बनाती हूँ, और वो मुझे पूरी गर्मी में बहुत पसंद है और मैं यूज़ भी करती हूँ। गर्मी आ गई है, स्किन टैन, ये देख रहे हैं निशान नज़र आ रहे हैं, ये अभी जैसे जैसे गर्मी आएगी ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अगर इनकी केयर नहीं करेंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएंगे। शुरू करते हैं फेशियल अपना। ये एक तेल है, ये आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये सब जो नज़र आ रहा है आपको, ये आमले रेठे और सीका का ही है। इसके साथ आप 3-4 तेल डाल लो, बादाम का डाल लो, सरसों का डाल लो, कोकोनट ऑयल डाल लो, इन सब तेल के साथ। ये पूरे एक साल की बोतल है, जो मेरी पूरा साल एक चलती है, ये वाला तेल है। मैं जब फेशियल करती हूँ मैं सबसे पहले अपना मसाज करती हूँ तेल के साथ, और इनको अच्छी तरह से ऊपर से बांध लेती हूँ, और उसके बाद मैं शुरू करती हूँ। ये जो तेल है जो मैंने आपको अभी दिखाया है, ये बहुत जितना पुराना होता जाएगा ये उतना ज़्यादा अच्छा होता है। और ये तेल जो है इसको आपने इस तरह से सारे मांग जो आपकी ये रूट्स हैं इसके अंदर आपने लगाना है, ये इस तरह से, ये सब ऐसे लगा कर। अच्छा जी, ये जब लगाओगे आप तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसके ऊपर तौलिया जो है उसको नीम गर्म पानी के अंदर स्टीम करके भी बांध सकते हैं, या हल्का सा नीम गर्म पानी के साथ आप नहा भी सकते हैं। पहले तेल लगाते हैं और उसके बाद इनको ऊपर से कवर करते हैं और फिर फेशियल शुरू करते हैं। ये तेल बहुत अच्छा बनता है। आमले रेठे और सिक्का काई के साथ अपने 3-4 तेल अच्छी तरह से पका के और इसको एक बड़ा सारा जार आप बना लेंगे तो पूरा एक साल चलता है। तेल लगाती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब मैं फेशियल शुरू करूँगी। तेल लगा चुकी हूँ मैं, फेशियल शुरू करने लगी हूँ। मैंने अपने पास सारी चीज़ें रख ली हैं और शुरू करते हैं। आपने भी करना है? हाँ चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको मैंने ठंडे पानी से अच्छी तरह से साफ किया। साढ़े तीन बज चुके हैं, बच्चे ट्यूशन जाने वाले हैं पढ़ने के लिए। शुरू करते हैं फेशियल अपना। शुरू कहते हैं ठंडे पानी के साथ करना है आपने, ये पूरी गर्मी में आपने जितना भी करना है ठंडे पानी के साथ करना है। पहले तो एक ये क्रीम, इसमें टोटल सारा मेरा फेशियल आ जाता है, इसके अंदर स्क्रब भी आ जाता है, मसाज क्रीम भी आ जाती है, और सारी चीज़ें आ जाती हैं। चलो इसको थोड़ा सा पानी लगाएंगे। इसे आपने 10 से 15 मिनट बहुत सख्त हाथ में आहिस्ता 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 आपने बहुत मजे से ऐसे ऐसे गोल गोल करके मसाज करना है। ये सारा आपने मसाज करना है।
हम स्किन केयर कर रहे हैं अपनी, है ना, स्किन केयर हो रही है। पानी गंदा कर रहे हैं अम्मी जी, अपना पानी लेके आओ, मेरा पानी नहीं गंदा है मेरा, और लेके आओ पानी, मम्मी लेके आओ। मसाज करें अभी, अभी जितनी गर्मी आ चुकी है इसे आपने जरूर ट्राई करना है और आपने ये फेशियल जरूर करना है। हल्का सा आपने, मैंने गोल्डन पर्ल का मसाज पहले और उसमें स्क्रब भी आ जाता है वो हल्का सा किया है, और उसके बाद मैंने मसाज किया है मसाज क्रीम से। मेरी स्किन इतनी ड्राई नहीं है और इतनी अच्छी भी नहीं है, और पर मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपनी स्किन का, बहुत केयर करनी पड़ती है अपनी स्किन की। और क्या कहूँ, साफ करते हैं, फिर आपके साथ एक मास्क शेयर करते हैं, मास्क लगाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, मैं मास्क जो लगाती हूँ ये है मड, पता नहीं आप क्या कहते हैं, मुल्तानी मिट्टी मेरे ख्याल है कहते हैं, मुल्तानी मिट्टी है। चावल का आटा है, टमाटर का जूस है, इसको मैंने सिर्फ जूस इस्तेमाल करना है, और ये खीरे का जूस है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं एक कटोरी में, अच्छा जी ये है चावल, ये है मुल्तानी मिट्टी, और ये डालते हैं, और साथ में इसके थोड़ा सा रोज वाटर डालते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं इसमें, ये मास्क बिल्कुल तैयार है, और इसे लगाते हैं फेस पे। मुझे इसकी खुशबू बहुत मज़े की लगती है, और इसकी जो मुल्तानी मिट्टी की खुशबू आती है वो मेरा दिल करता है कि मैं खा जाऊं। और मैं हमेशा ब्रश के साथ नहीं लगाती हूँ, मेरे पास है ब्रश और मैं इसको हमेशा हाथ के साथ लगाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है हाथ के साथ काम करना। ये जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, अभी ठंडा ठंडा लग रहा है और बड़ी मज़े की खुशबू है इसकी,
मिट्टी की, और उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जब बिल्कुल ड्राई होगा कैसे लगेगा। स्किन बहुत अच्छी होती है, स्किन ग्लो करती है, और ये अभी जो गर्मी शुरू हुई है उसके लिए ये बहुत बेस्ट है अगर आप लगाते हैं। और आप जो बाहर जाते हैं धूप में तो सनब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ओके जी, हम फेशियल कर चुके हैं। मैं तो सिर्फ इतना सा ही सब कुछ लगाती हूँ और उसके बाद मैं अपने फेस पे सिर्फ और सिर्फ मैं लगाती हूँ तो सनब्लॉक लगाती हूँ और कुछ नहीं लगाती हूँ, नाइट क्रीम नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे अपना कलर बहुत प्यारा लगता है और कुछ भी नहीं लगाती हूँ, ऐसे ही हूँ। और अगर आपको हमारी ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन, कुछ नहीं जाता आपका, ठीक है। इस तरह के थोड़ी छोटी सी चीज़ें अपने साथ किया करें, अपनी केयर किया करें, अपना ख्याल रखा करें। ओके बाय, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बच्चों के लिए मैं स्पेशल बनाने वाली हूँ एक और रेसिपी, और बाहर चलते हैं और आपसे मिलते हैं बाहर जाकर। बाय बाय। मैं फिर वापस आ गई, मैं इसलिए वापस आ गई क्योंकि मूसा जो है वो कह रहा है कि आप तो सही तरह ब्लॉक एंड नहीं करती हो। ओके बाय।